अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद भट्ट आज आपके साथ फिर हाजिर हूँ। और जी आज मैं अपने मेरी बेटियों ने मेरी भांजियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मामू आज आप हमें तवा चिकन खिलाए। तवा चिकन जब छोटी छोटी होती थी पाकिस्तान जब जाते थे तो वहाँ पे तवा चिकन बड़े शौक से खाया करते थे, उससे छोटी थी। अब माशाल्लाह इनको ये आए हुए यहाँ पे 20 ईयर्स हो गए, 18 to 20 ईयर्स। तो करीम मामू जब हम छोटे होते थे आपसे आके खाते थे तो वो हमें खिलाएं, तो आज आपके साथ शेयर करेंगी तवा चिकन। तो ये जो मेरी दोनों बेटियाँ जो कि आतिका और अंजा को बड़ा पसंद है, तो इसको बनाना सो वेरी ईजी। और कैसे बनता है ये आपको दिखाते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जी ये देखिए माशाल्लाह से, इसके लिए हमें बड़ी इजी रेसिपी है। ये मेरे हाथ में ये चम्मच देख रहे हैं, ये रेगुलर टीस्पून है जी। तो इसके लिए हमें 5 चम्मच योगर्ट चाहिए और ही तकरीबन थोड़ी सी इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, थिक सी अच्छी लगेगी। तो इसके लिए हमें 5 चम्मच ही फ्राइड ऑनियन चाहिए, 1 चम्मच ब्लैक पेपर चाहिए और 1 चम्मच ही रेड पेपर चाहिए, 1/2 चम्मच जीरा चाहिए और 1/2 चम्मच हमें दालचीनी का पाउडर चाहिए। दालचीनी डालने पाउडर डालने एक ही बात है। और 1/2 से थोड़ी सी कम हमें हल्दी चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह इधर जो है 1 चम्मच जो है नमक है और तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। और ये देख रहे हैं जो चिकन आपको भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा इसको बॉयल करते हुए, लेकिन मैंने क्लीन लिया, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तकरीबन 1 पूरी मुर्गी थी, इसको मैंने लेके इसे कट लगाया, इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा जितनी भी फैट थी वो निकल जाए जी। ये देखें माशाल्लाह ये अच्छी तरह इसको हमने पानी के अंदर बॉयल किया ताकि इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है, जितनी भी चर्बी है, ज़्यादा नहीं आपने इसको कुक करना, बस इसके अंदर जितनी भी फैट है वो निकल जाएगी। तो बस ये बाकी इसका क्या स्टेप है वो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो इसको कुक करने से पहले हम इसको कुक करेंगे और इसके लिए हमें इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगा, वो भी आप तकरीबन देखें हसब ज़रूरत। कोई तकरीबन जो हंडिया का जो चम्मच होता है जिसे कि आप वो आप 1 से 2 चम्मच डाल लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होगा। तो दूसरी चीज़ इसमें आपने कोई पानी नहीं डालना, इसमें आपने वेनेगर ऐड करना है। तो ये वेनेगर ऐड होगा इसके अंदर और कोई टमाटर पेस्ट टमाटर कोई ऐड नहीं होंगे। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह जी। आज हमें ये बाहर बैठ के यहाँ पे वेदर भी बड़ा प्यारा सा है, तो सब चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर दी और इसे हम इंशाल्लाह कोयलों के साथ आज इसे कुक करेंगे। पहले मैं इसकी थोड़ी सी पेस्ट बनाऊंगा, अच्छी तरह जब पेस्ट बन जाएगी तो फिर उसके बाद मैं इसको तवे पे, क्योंकि हम बना रहे हैं तवा चिकन, तो इसके बाद इसकी इंग्रीडियंट तवे पे डाल के फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे किस तरह है। अगर आपके घर में थोड़ा सा बड़ा तवा है तो ये भी चीज़ उसके अंदर ही ऐड करके करें, तो लेकिन थोड़ा सा कि मैं बाहर बैठा हूँ आज मौसम का इन्जॉय करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए बाहर आपके साथ मिल के अपनी दोनों बेटियों के साथ मिल के ये चीज़ शेयर करेंगे जी। तो उनको खिलाएँगे, आपको दिखाएँगे और वो भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप देखें। ये देखें जी माशाल्लाह से जी कितना ज़बरदस्त था, ये बड़ी अच्छी पेस्ट बनेगी। और ये पेस्ट जो हमने थोड़ी सी ड्राई करनी है ताकि जो तवे चिकन का जिस तरह आप ड्राई लेते हैं ये इंशाल्लाह वैसे ही आपको नज़र आएगी और वैसे ही मिलेगी। तो अभी इसके अंदर हमें ग्रीन पेपर भी डालनी है, तो वो भी ये थोड़ी सी अच्छी पेस्ट बन जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जी। और ये देखें माशाल्लाह से जी ये बड़ा अच्छी पेस्ट बनना शुरू हो गई है, लेकिन मैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन आपने 1 कप वेनेगर डालना है, लेकिन वो आप एकदम सारा डाल दें या थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दें। मुझे तकरीबन 1 कप वेनेगर डालना है ताकि वेनेगर से इसका जो टेस्ट जो होगा ना बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप बनाएँगे तो ये इंशाल्लाह इसी तरह ये आपको अच्छी लगेगी। और ये भी अच्छी तरह इसे 1-2 दफ़ा अच्छी तरह कुक करना है ताकि इसकी अच्छी तरह पेस्ट जो है वो ज़रा डैशिंग किस्म की ज़बरदस्त किस्म की बन जाए। तो इंशाल्लाह ये आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेडी हो गई है। तो अभी हमने इसको और भी ड्राई करना है, लेकिन वो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है
वो चिकन के ऊपर डालेंगे, और जैसे कि वो आप जाते हैं वो बड़े तवों में करते हैं तो इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आपको, इसके अंदर जो ऑयल है वो वही निकालेंगे, क्योंकि ऑयल तो आपको पता वो काफ़ी डालते हैं ज़्यादा, लेकिन ये जो हमारे पास ऑयल है हम वही डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और इसके अंदर अच्छी तरह से पहले इसको कुक करेंगे, साथ में डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह ड्राई होगी। ये देखेंगे माशाल्लाह ये अभी तकरीबन इसी तरह आपके सामने दिखाएंगे पकाते हुए, तो वही टेस्ट होगा। उसी तरह से ड्राई करेंगे, जितनी आपको ये इसके अंदर ग्रेवी नज़र आएगी ये नज़र नहीं आएगी, और उसी तरह इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जितना ही ज़्यादा ड्राई होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए जितना भी अच्छा कुक करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास दो पीस थे मैंने वो भी डाल दिए, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे तरीके से बनाएंगे, दिखाएंगे और खाएंगे, और ये वही टेस्ट होगा। माशाल्लाह तकरीबन 75% कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये ग्रीन पेपर जो है वो ऐड करेंगे। वो माशाल्लाह आप देखते हैं कि वो ग्रीन पेपर कितनी ज़्यादा डालते हैं, तो हम भी उसी तरह डालेंगे कि जिसका मज़ा है वो इंशाल्लाह वैसे ही डालेंगे। देखिए वो ऑलमोस्ट सारा ही जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बारी बारी करके डाल रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरह साथ साथ कुक होता जाए, वो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। टेस्ट एक्सलेंट, ये मैं नहीं कह रहा अभी बच्चे भी कहेंगे। अभी देखें माशाल्लाह इसके कलर और इस चीज़ कितना नरम और कितना सॉफ्ट हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी कभी अपने घर में ऐसा प्लान बनाएं और करें, अगर ऐसे ही बारबेक्यू बाहर करते हों तो उसमें भी ऐड करें। तो इसलिए तो ये आपके बच्चों को और आपको वही चीज़ वही रेसिपी और वही टेस्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह और चंद ही लम्हों में ये रेडी होने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह जब रेडी मोर दो मिनट उसके बाद आपको दिखाते हैं प्लेट में निकाल के सिर्फ दो मिनट में। इसका कलर भी और जो भी रेसिपी बनाई थी बिल्कुल ड्राई हो गई और बिल्कुल ही बिल्कुल खाने के काबिल हो गई। तो ये हमारा जो तवा चिकन है माशाल्लाह से रेडी हो गया। तो इसमें थोड़ी सी हम इसकी ऊपर जो धनिया ग्रीन पेपर जो थोड़ा सा है वो ऐड करेंगे, और देखेंगे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त था ये तवा चिकन रेडी हो गया। तो ये आप माशाल्लाह घर के चार बंदे बड़े ईजीली अच्छे खासे खुले डुले होके खा सकते हैं। तो इसकी माशाल्लाह देखें कहीं तरह से भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा वही स्टाइल है जब वो जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनके तवे तो बड़े होते हैं, तो वही चीज़ इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाता हूँ और अपनी बेटियों को बुलाता हूँ, वो मेरे साथ ये खाएँगी और बताएँगी।
और जी ये माशाल्लाह से ये मेरी दो जो बेटियाँ हैं इनके लिए तवा चिकन बना है। और ये छोटी सी थी जब आती थी पाकिस्तान में उसे खाती थी, तो आज वही टेस्ट होगा, तो इनसे ट्राई करते हैं कैसा है। तो ये आप देखिए अलग है, ये बच्चों जी ट्राई करो। आतिका, इसको मैं आतिका ही कहता हूँ, कुछ और कहता हूँ लेकिन आतिका ही कहता हूँ। और ये है मेरी अंजा, इसको मैं कुछ और कहता हूँ लेकिन आतिका कहता हूँ, अंजा और आतिका। और ये ट्राई करें, मामू अभी अपनी बाइट पकड़े। ओह माय गॉड, दिस द फर्स्ट टाइम मामू कैमरे में खाएंगे। मैं ही ऑलवेज डू, मैं ट्राई नो कभी कभी कहते हैं बहुत गर्म है। चलो चीयर्स। ओह किसी ने चीयर्स नहीं किया। ओके चीयर्स, दिस इज रियली गुड, सो गुड, 10 आउट ऑफ 10। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही खाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड टर्न योर रिंग ऑन सो यू गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी पोस्ट अ वीडियो। ये आपके लिए। समंदर भी मैं किसी गैर के हाथों से ना लूँ, समंदर भी मैं किसी गैर के हाथों से ना लूँ, एक कतरा समंदर है, एक कतरा समंदर है, अगर तू दे दे, अगर तू दे दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।